आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि परफेक्ट लाइनअप का यूज़ आपको करना कैसे है। बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। परफेक्ट लाइनअप पर आपको वो सारे लॉजिक, वो सारा डेटा मिलता है, जिसके बेसिस पे आप अपनी खुद की टीम बना सकते हैं। तो आज हम एक सीक्वेंस देखेंगे, जिसकी मदद से आप पूरे मैच का एनालिसिस काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे और अपनी खुद की टीम आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। देखो, जब भी हम टीम कॉपी पेस्ट करते परफेक्ट लाइनअप की, तो वो एक डेमो टीम होती है, वो आपको एक आइडिया देने के लिए दी जाती है। लेकिन अगर आप सीधे सीधे उस टीम को लगा दोगे, तो यहाँ पे एक तो आपकी जो हम कहते हैं ना, आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी एज ए फैंटेसी प्लेयर, और आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, आपकी काफ़ी सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही ज़रूरी है इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दो, और आपको लाइक करके स्टार्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर डेमो के लिए किसी भी एक मैच को ले लेते। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच हमने डेमो के लिए सिलेक्ट किया है आपके लिए। तो देखिए, जब भी आप किसी मैच का एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट। तो चलिए हम वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट पर चलते। तो देखिए, आपका यहाँ पर 40 से 60% का जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाता है, अगर आप वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट अच्छे से समझ लेते हो तो। तो देखो, आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है, मैच कौन से स्टेडियम पे होने वाला है, बैटिंग फ्रेंडली या फिर बॉलिंग फ्रेंडली। आपको यहाँ पर रेशो भी देखने को मिल जाता है, स्पाय डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हो ये मैच किस तरीके का होगा। बैटिंग फर्स्ट में क्या रेशो होता है बैटिंग बॉलिंग का, चेजिंग में बैटिंग बॉलिंग का क्या रेशो होता है आप यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर होता है वो कितना बनता है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। हर इनिंग में कितनी विकेट्स यहाँ पर गिर जाती है, ये भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो पेसर स्पिनर्स का रेशो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो बैटिंग फर्स्ट टीम और चेजिंग टीम, इनका भी रेशो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस मैच में जो बैटिंग फर्स्ट टीम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक फैक्टर होता है जिसे आप ध्यान में रख सकते हो। मान लो आपको अगर बैटिंग फ्रेंडली अगर कोई पिच लग रही है, तो आप यहाँ पर उस हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लास्ट कुछ मैचेस देख लेते हैं जो इस वेन्यू पे खेली गई है। तो देखिए, ये भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि रिसेंटली इस वेन्यू पे क्या हुआ है, तो उसके बेसिस पे आपको टीम बनाना थोड़ा सा आसान होगा, और आपको एक आइडिया भी आ जाता है कि इस मैच में क्या हो सकता है। देखो, ढाका ODD क्रिकेट लीग का यहाँ पर एक मैच हुआ था, इसका आप यहाँ पर स्कोर कार्ड देख सकते हो, उसके साथ साथ आप रेशियो देख सकते हो बैटिंग और बॉलिंग का। और इससे अगर आप 5 मैचेस देख लेते हो तो पूरा आइडिया आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो आपने ये सब देख लिया, उसके बाद आपको सीधे सीधे यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन होता है आपका उस टीम का इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस कैसा है। तो बांग्लादेश इस वेन्यू पे पहले भी खेल चुके हैं, तो कुछ टॉप प्लेयर्स जो इस वेन्यू पे ज़्यादा खेले उनको आपको यहाँ पर देखने का मौका मिलता है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट आपने देख लिया है, अब आपको सीधा सीधा आना है यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर के फीचर के ऊपर। तो देखिए, जो बैटिंग ऑर्डर का फीचर है, यहाँ पर कौन सा प्लेयर कहाँ पर खेलने वाला है, उसका बैटिंग ऑर्डर क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए, हम यहाँ पर इंडिया का बैटिंग ऑर्डर देखेंगे, तो शिखर धवन, देखो शिखर धवन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये इनकी बैटिंग ऑर्डर है। और नीचे एक ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर बार दिखाई दे रहा होगा, ये बार आपको ये सजेस्ट करता है कि ये प्लेयर ड्रीम टीम में था, और रेड कलर का जो बार होता है वो आपको सजेस्ट करता है कि वो प्लेयर ड्रीम टीम में नहीं था। तो जो ग्रीन है और रेड है, इसके बेसिस पे भी आप प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो उस प्लेयर का उस मैच में परफॉर्मेंस किस तरीके का था ये आप देख सकते हो। जैसे देखो, शिखर धवन ने 28 रन बनाए थे इस मैच में, इसमें उन्होंने 3 चौके मारे थे, 1 छक्का मारा था उनका स्ट्राइक रेट। वैसे बॉलिंग का भी आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको बैटिंग ऑर्डर पता चल जाता है कौन सा प्लेयर कहाँ पे खेलेगा। थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हो तो पावर प्ले के बैट्समैन आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर उसमें पावर प्ले के बॉलर्स आपको देखने को मिल जाते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप यहाँ पर डेथ के जो बॉलर्स है उन्हें भी देख सकते हो। तो ये आपको डेथ के कुछ बॉलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, बैटिंग ऑर्डर फीचर देखने के बाद आपको आना है पावर रैंकिंग फीचर के ऊपर। पावर रैंकिंग में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर प्लेयर्स को रैंक किया जाता है, और आप देख सकते हो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। दरअसल ये जो रैंक है ये यहाँ पर प्लेयर्स को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे दी जाती है। जितनी प्लेयर की रैंक अच्छी होती है उतना ही वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस मैच में श्रेयस अय्यर की रैंक 1 है, यानी अगर आप टोटल स्क्वाड उठा लो पूरा, तो इसमें श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। तो इस मैच में कुछ टॉप प्लेयर्स आपको रैंक वाइज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये जो रैंक है इसके आगे जाके भी आप पूरा डेटा भी देख सकते हो प्लेयर का। जैसे हम श्रेयस अय्यर का आपको दिखा देते, आपको हर एक प्लेयर का इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए अगर आप यहाँ पर ये कर रहे हो। तो देखो, श्रेयस अय्यर आप अगर देखोगे
लास्ट 10 मैचेस में से 9 बार ये ड्रीम टीम में रह चुके हैं। और इसी तरीके से आप हर एक प्लेयर का जो हम कहते हैं ना डेटा देख सकते हो। बैटिंग फर्स्ट में इनका 62 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में 72 का है। देखो जिस भी प्लेयर का फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज 50 के ऊपर जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे आपको इनका रिसेंट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा, जैसे 61, 4, 102, 43, 150। तो यहाँ पर इनका जो परफॉर्मेंस है अच्छा है। और ये जो स्टार है ना ये आपको ये सजेस्ट करता है कि वो प्लेयर ड्रीम टीम में भी था, तो ये कुछ स्टार इन्होंने लगातार ले रखे अपने नाम पे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप इनका यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देख सकते हो, यानी बांग्लादेश के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने जितने भी मैचेस खेले वो आपके सामने आ जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर इस वेन्यू पे वो कैसा खेलते वो भी देख सकते हो। वेन्यू पे फिलहाल श्रेयस अय्यर का कोई मैच नहीं, तो आपको वो भी देखने को मिल जाता है बाय फॉर्मेट में जैसे आप आते हो। तो ये मैच ओडीआई तो हम ओडीआई का रिकॉर्ड देखेंगे, नहीं तो आप किसी भी फॉर्मेट का इनका पूरा रिकॉर्ड देख सकते हो। 2022 में श्रेयस अय्यर ने 14 मैचेस खेले जिसमें इनका 43 का एवरेज है, 95 का स्ट्राइक रेट है, इससे इन्होंने 615 रन बना के रखे। तो ये सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, बॉलिंग का भी होता है फील्डिंग का भी होता है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद उस प्लेयर को आपको लॉक कर लेना है अगर रिकॉर्ड अच्छा लगे, अगर रिकॉर्ड अच्छा ना लगे तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। तो श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड हमें अच्छा लग रहा है तो हम इन्हें लॉक कर लेते। तो देखिए जितने भी प्लेयर्स थे उन सबका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखना मस्ट हैव है, क्योंकि आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा समय निकालते, देखो आपको अगर पूरे प्लेयर्स भी आपको स्क्वाड में देखने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10-15 मिनट यहाँ पे जाएंगे, लेकिन जो आइडिया क्लियर होता है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर होना आपकी एक अंडरस्टैंडिंग आती है, और टॉस के बाद जब आप चेंजेस करते हो तो वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है। फिर आप सही चेंजेस करो ये बहुत ज़रूरी होता है टॉस के बाद, वो आपका होता है डेटा का अच्छा एनालिसिस करने से ही। तो चलिए हमने यहाँ पर इसी डेटा को देखते हुए कुछ प्लेयर्स को लॉक किया है, आप देख सकते हो। तो ये जो प्लेयर्स लॉक हुए प्लेयर्स इनको आपको सीधे सीधे अपनी जो स्मॉल लीग की टीम है उससे पिकअप कर लेना है। और बाकी कुछ हम 7 या 8 प्लेयर अगर लॉक कर रहे हैं अपनी टीम में तो बाकी के जो 2 या 3 प्लेयर है वो कंपेरेटिवली आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर कंपेरेटिवली कुछ प्लेयर्स को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने उस बेसिस पे एक स्मॉल लीग की टीम भी बना के रखी, आप देख सकते हो। इस स्मॉल लीग की टीम से हमने जो भी लॉक प्लेयर्स है वो हमारे टीम में रहते हैं, उसके बाद जो टॉप रैंक वाले प्लेयर्स होते हैं ठीक है उनको हम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी यहाँ पर दे देते। अगर आपको टीम बनानी है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करो, आपको यहाँ पर जो भी प्लेयर्स आपने लॉक किए उन्हें आपको अपने टीम में ले लेना है। मैं आपको डेमो के लिए एक टीम परफेक्ट लाइनअप पे बना के दिखाता हूँ, आप यहाँ पर काफ़ी ध्यान से बना सकते हो। मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए आपको बना के दिखा रहा हूँ, काफ़ी मतलब ड्रीम इलेवन जैसा ही होता है यहाँ पर भी अगर आपको टीम बनानी है। तो चलिए हम यहाँ पर जो अपनी टीम है उसे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर इन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो। देखिए अगर आपको किसी प्लेयर को कैप्टनसी देनी है, चलिए हम यहाँ पर विराट कोहली को अगर कैप्टनसी दे रहे हैं तो उसके ऊपर क्लिक करना है, उसे कैप्टनसी दे देनी है। वाइस कैप्टनसी आपको यहाँ पर प्लेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर वाइस कैप्टनसी हमने यहाँ पर दे दी है। उसके बाद आपको यहाँ पर टीम को सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आपकी जो स्मॉल लीग की टीम है वो तैयार हो जाती है। इससे आप किसी भी ड्रीम इलेवन का जो प्लेटफॉर्म होता है या फिर कोई भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं ग्रैंड लीग की जो टीम से वो आपको बनानी कैसे। तो ये जो कस्टम टीम बिल्डर का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन, रिसेंट परफॉर्मेंसेस और ड्रीम टीम अपीयरेंसेस। तो इसमें ये जो परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन का ऑप्शन है यहाँ पर वेरियस फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको ये टीम देता है। रिसेंट परफॉर्मेंस थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है या फिर सिर्फ रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाता है, और ड्रीम टीम अपीयरेंसेस में सिर्फ जो प्लेयर कंसिस्टेंटली ड्रीम टीम में अपनी जगह बना रहे हैं वही आपके टीम में आते हैं। नंबर ऑफ टीम्स आप यहाँ पर जितनी चाहिए उतनी टीम्स क्रिएट कर सकते हो, मैक्सिमम आप यहाँ पर 100 तक क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल हमें उतनी ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 बनाएंगे, 20 टीम्स अपनी बना लेंगे। नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट टीम्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने टीम्स बन के आ जाएंगी। तो आप जितने अच्छे से प्लेयर्स को लॉक करोगे रिमूव करोगे उतना ही लॉजिकल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर मैनेज प्लेयर सिलेक्शन का ऑप्शन होता है आपके पास, आप यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज भी मैनेज कर सकते हो। जैसे मोहम्मद शमी का यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं उसे कम कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से जनरेट टीम के ऊपर क्लिक कर देना है, तो जो बाकी की टीम्स है उनमें से मोहम्मद शमी अपने आप हट जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो टीम्स है आपके सामने बन के आ चुकी है। तो एक लॉजिकल वे में आप यहाँ पर अपनी टीम्स बना सकते हो। यहाँ पर एक एडवांस ऑप्शन भी आपको मिलता है, उस ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। देखो जब भी आप टीम बनाते हो तो आपको यहाँ पर एक एडवांस ऑप्शन मिलता है। इसमें मान लो इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के बीच में मैच है, तो इंडिया की जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो इसके हम ज़्यादा प्लेयर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कॉम्बिनेशन आपको कस्टम टीम बिल्डर बना के देगा उसमें सारे कॉम्बिनेशन में इंडिया के 7 प्लेयर होंगे, और बांग्लादेशी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 4 प्लेयर पकड़ लेता है। फिर
और इस तरीके से आप पीक टीम फॉर्मेशन यानी कॉम्बिनेशन भी सेट कर सकते हो। जैसे बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आप यहाँ पर सीधे सीधे 6 बैट्समैन के साथ जा सकते हो या फिर 5 बैट्समैन पिकअप कर सकते हो। आपको लग रहा है ऑलराउंडर अच्छे मैच में तो आप 4 ऑलराउंडर्स भी यहाँ पर पिक कर सकते हो। तो इतने सारे लॉजिक्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं परफेक्ट लाइनअप पे। देखो आपको टीम कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये जो टीम्स होती है आपको आइडिया देने के लिए दी जाती है, आपको अपनी खुद की टीम बनानी पूरा एनालिसिस करने के बाद। तो आपको यहाँ पर जो टीम्स आप बनाओगे पूरा एनालिसिस करने के बाद, वो एक हम कहते हैं ना एक अंडरस्टैंडिंग से बनती है वो टीम्स। उसमें आप सही चेंजेस भी कर सकते हो लास्ट आधे घंटे में। और देखिए ये जो परफेक्ट लाइनअप का एप्लीकेशन है ये हर फैंटेसी प्लेयर के मोबाइल में होना चाहिए, ऐसा ही एप्लीकेशन है। और अगर आप इसे रेफ़र करते हो तो जिसे भी आप रेफ़र करोगे उसको रेफ़र करने के बाद अगर वो सब्सक्रिप्शन लेता है तो आपको सीधे सीधे 70 रुपये मिलेंगे। तो एक अर्निंग सोर्स की तरह भी आप इसे देख सकते हो। तो जितना ज़्यादा हो सके उसको उतना आप इसे रेफ़र करो। देखो इसके इस बैनर के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा न्यू लिक्रेटिव रेफरल प्रोग्राम, वेन योर फ्रेंड्स बाइज द सब्सक्रिप्शन 70 रुपीज़ आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पर लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, इस लिंक के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपकी लिंक जो है कॉपी हो जाएगी। इसे आपको शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ और आपको ये रेफरल कोड यहाँ पर दिख रहा होगा, इस रेफर कोड को भी आपको शेयर करना है ताकि जो रेफरल बेनिफिट से आपको ही मिले। तो रेफर कोड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है ठीक है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन आपको दोनों जगह पे मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, प्लीज़ आप वहाँ पे लिखिए अपने जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरीज है उन्हें आप लिखिए, मैं इनका ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।